हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास 24। सो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, डेली मॉर्निंग में 8 AM पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जहां पे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन के अंदर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करते होंगे, सो दैट सभी लोग अपनी नॉलेज को डे बाय डे इंप्रूव कर सके। अगर आप इंडिया का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उसके बाहर आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, है ना। हमने देखा कि लास्ट ईयर का भी जो प्रीलिम्स हुआ था, उसमें भी 20 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, उसमें 17 वही थे जो कि हमने इन क्लासेस के अंदर ओवर द ईयर के अंदर हमने कवर करे हैं, एक साल के अंदर, डेढ़ साल के अंदर, है ना। इसके अलावा आप इंडिया में कोई भी एग्जाम दोगे, सब जगह पे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपकी डेली लाइफ के अंदर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। अगर आप एज ए पर्सन इंप्रूव कर रहे हो, अगर आप एज ए बेहतर सिटीजन या बेहतर ह्यूमन बीइंग बन रहे हो, तब मुझे लगेगा कि इस सेशन का सच में कोई यूटिलिटी है। हम लोग जो सिर्फ टॉपिक के अलावा 10 बातें और अलग करते हैं, वो आपको जिंदगी में कुछ अलग, कुछ अच्छा है जो कि बना रही है ना। तो पिछले साल जो आप थे, अगर आप उससे बेहतर इंसान इस साल बन पाए हो इस सेशन को देखते हुए, तो ही इस सेशन को मैं जो है सक्सेसफुल है जो कि मान सकता हूँ। अदरवाइज तो करंट अफेयर तो ठीक है, आप न्यूज़पेपर में से भी कवर करते हो, मेरी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं, आज के सेशन की बात करें तो सबसे पहले द हिंदू में आपको 5 आर्टिकल है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। इंडियन एक्सप्रेस में 3 आर्टिकल है, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में 2 आर्टिकल है, और पीआईबी पीआरएस बाकी सारे सोर्सेस में 7 आर्टिकल है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो नियर बाय 17 के आसपास टोटल आर्टिकल है जो कि आज के सेशन के अंदर भी हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले स्किल 24 पे जाके आप डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना, है ना, अपना ऐप वैप बनाना, ये सब सीख सकते हैं ताकि आपको जॉब मिल सके। इंटर्नशिप भी आपको यहाँ पे फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। इसके अलावा क्लास 24 पे आपको एसएससी का बैच है, मेरा जीके का भी बैच अवेलेबल है, अगर आप उससे जीके पढ़ना चाहते हैं तो बिहार फेज 7 एसएससी का बैच, एलपी का, आप इनको भी ज्वाइन है जो कि कर सकते हैं। ओके, आज का कोट ऑफ द डे है, द रूट ऑफ द एजुकेशन आर बिटर बट द रिजल्ट बट द फ्रूट इज स्वीट। तो ये एरिस्टोटल के द्वारा एक बहुत अच्छी बात बोली गई थी। देखो, पढ़ना जो है, सच बात तो यह है कि पढ़ना बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको पसंद होता है। ओके, हमेशा एंटरटेनमेंट तो एंटरटेनमेंट ही है ना, इसीलिए तो बनाया गया उसको। पढ़ाई करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, डेफिनेटली जोर आता है, सुबह उठना, रात को देर तक जगना, किताबें पढ़ना जो आपको पसंद नहीं भी हो वो भी पढ़ना, और अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में तो है खैर और भी ज़्यादा। बाहर तो लोग फिर भी जो है उनको पसंद होता है वो वाली किताबें पढ़ने लग जाते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि उनको पता है कि 12वीं के बाद में घर से बाहर निकलना है, नौकरी करनी है, तो पहले से ही अपने इंटरेस्ट के ऊपर काम करना चालू कर देते हैं। लेकिन अपने यहाँ पे थोड़ा लालन पालन जो है लंबे टाइम तक होता है, तो इसीलिए हम लोग हमारे जो किताबें हैं जो हमें पसंद हो ना हो, उसमें भी नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप पढ़ाई को थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं खुद के लेवल के ऊपर भी, या फिर थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट ले सकते हैं, तो कभी भी आपकी प्रिपरेशन का 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी टाइम हो गया ना, ये आपके कभी भी खराब नहीं जाते हैं। मुझे भी पहले बहुत लगता था ऐसे कि यार ये टाइम खराब हो रहा होगा जब पेपर नहीं क्रैक हो रहा, लेकिन यकीन मानिए जिंदगी में ये आपके जो 2-4 साल है ना, ये आपके आने वाले 30 से 40 सालों की एक आपके लिए बेडरॉक है, एक आपको एक फाउंडेशन है जो कि बना के देंगे। अगर आपका यहाँ पे होता है सिलेक्शन तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता ना तो जो आपकी लर्निंग होती है यहाँ पे, लोगों की बातें सुनना, उसके बाद भी पढ़ाई करना, फेलियर के बाद में ओवरकम करना, है ना, निराशा, हताशा, खुशी, दुख, सब कुछ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, एक बच्चा है ना 100 जिंदगी है जो कि एक प्रिपरेशन के फेज में देख लेता है। अब ये बात ना तो हम घर वालों को समझा सकते हैं, ना हम बाहर वालों को समझा सकते हैं, ये सिर्फ हम ही लोग समझ सकते हैं जो इस दौर से गुजरे हुए हैं या गुजर रहे हैं। लेकिन यही चीजें जो कि आपको जिंदगी में, सच बता रहा हूं मैं आपको, ये आपको बहुत आगे लगी जाएगी। आप कभी भी वो वाले बच्चे नहीं बनोगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और बस टूट के बिखर गए, क्योंकि आपने प्रॉब्लम बहुत देखी हुई, आपने फेलियर बहुत देखा हुआ है जिंदगी में। फेलियर देखा हुआ है ना तो जिंदगी के अंदर आप सक्सेस पाए लोगे, क्योंकि फेलियर से आपको डर लगना बंद हो जाएगा, और यही सक्सेस का सबसे बड़ा राज होता है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं आज के फ्रंट पेज की। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मणिपुर के अंदर एक कमेटी है जो कि बनाई है, ऑल वुमेन कमेटी बनाई है, ताकि महिलाओं के बेनिफिट के लिए जो है वहां पे कुछ स्टेप है जो कि लिए जा सके, इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों आम आदमी पार्टी और गुजरात में कांग्रेस के अलायंस को लेकर है जो कि वहां के लीडर ने मना किया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर 32% कोटा है जो कि ट्राइबल लोगों के लिए एजुकेशन में कर दिया है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए कर दिया गया है। हालांकि इंदिरा शौनी जजमेंट आप सभी को मालूम है जिसके अंदर लिमिट है जो कि 50% लगा रखी है, 49% मैक्सिमम रिजर्वेशन के ऊपर, और लेकिन कई सारे स्टेट ने जो है वो लिमिट बढ़ा के 60-70-75% तक लेके जा रखे है। अब ये कितना वैलिडेट करेगा वो तो खैर बाद में पता लगेगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो है इसको कर दिया है। राहुल गांधी जी वापस पार्लियामेंट में आ चुके हैं, यहाँ पे ईडी को परमिशन मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, और तमिलनाडु के मिनिस्टर को कस्टडी में लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है। यहाँ पे बुलडोजर और हरियाणा को लेकर है, यहाँ पे भी गुरुग्राम को लेकर है, यहाँ पे अमित शाह का स्टेटमेंट है जो कि आया है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में दोनों जगह से दिल्ली सर्विस बिल है जो कि पास हो चुका है,
अब दिल्ली के सरकार के पास में पावर नहीं है वहां के ब्यूरोक्रेटिक शफल अपॉइंटमेंट ट्रांसफर इन सब की। हालांकि ये जो है अभी पार्लियामेंट के बाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पेंडिंग है। अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला सुनाएगा आने वाले दिनों में पता लगेगा, लेकिन कोर्ट से तो जो है ये एक्ट है जो कि ये बन चुका है, मतलब पार्लियामेंट से तो ये एक्ट बन चुका है एक्चुअली में। ऑलराइट, चलिए इसके अलावा जो हमने डेटा प्रोटेक्शन बिल पढ़ा था वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास हो चुका है ना। चलिए ठीक है, ये तो बात हो चुकी है। एक पॉन्जी स्कीम है जो कि उड़ीसा के अंदर पता लगी है 1000 करोड़ रुपए की, वो यहाँ पे बताया है। तो ये आपका पूरा फ्रंट पेज है, हमारे लिए जो जरूरी है यही वाली न्यूज है जो कि हम लोग पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैनल के अंदर 3 ex-judges हैं जो कि रिलीफ और रिहैबिलिटेशन जो मणिपुर में महिलाओं है महिलाओं का उनके ऊपर है ये काम करेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की 1 ex-judge है शालिनी जोशी, इसके अलावा गीता मित्तल और आशा मेनन, ये 3 panel के अंदर 1 ex-judge है जो कि जिनको अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा 5 officers सीबीआई में लेके आए जाएंगे डिफरेंट स्टेट से ताकि वो इसको प्रॉप कर सके, इसको देख सके इस मुद्दे को। एक्स महाराष्ट्र के पुलिस चीफ जो थी वो मॉनिटर करेंगे सीबीआई के प्रॉप को जो कि सेक्सुअल वायलेंस को लेकर है ना। मणिपुर में सेक्सुअल वायलेंस के बहुत सारे केसेस है लेकिन जो रजिस्टर हुआ है वो एक ही हुआ है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये एक मर्डर और एक सेक्सुअल वायलेंस का केस है जो कि पुलिस के द्वारा रजिस्टर किया गया, जबकि हुए तो बहुत सारे वीडियो आ गए 2-4 के तो उसी को देखने के लिए एक्स महाराष्ट्र के पुलिस चीफ है जो कि इसको देखेंगे। 42 state की SIT ईच हर एक के अंदर इंस्पेक्टर होंगे अदर स्टेट से है ना, वो जो केसेस सीबीआई को ट्रांसफर नहीं करे गए वो भी यहां पे ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा SIT जो है वो सुपरवाइज की जाएगी 6 DG DIG रैंक के ऑफिसर्स के द्वारा जो मणिपुर से नहीं होंगे। तो ये सारे फेयर, देखो ये सब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया है वो इसलिए किया गया था कि फेयर प्रैक्टिस है जो कि वहां पे हो सके है ना, वहां पे चाहे रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन हो, वहां के जो केसेस हो, वहां के जो लोग हैं उन सबको जो है जस्टिस मिल सके, उसलिए कमिटी है जो कि एक्सटर्नली बनाई गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 4। ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, छत्तीसगढ़ को लेकर 32% ट्राइबल कोटा इन एजुकेशन है ना। अब देखो इसके पॉजिटिव भी होते हैं कुछ नेगेटिव भी होते हैं, जब भी हम लोग किसी भी कोटा की बात करते हैं रिजर्वेशन की बात करते हैं तो पॉजिटिव इसके ये होते हैं कि जो सच में बहुत ही ट्राइब, जैसे कि अभी यहाँ पे ट्राइबल बेल्ट की बात करी गई है तो जो ट्राइबल बेल्ट में रहते हैं उनके पास ना तो कोई एक्सेस होता है अच्छे कोचिंग का, ना अच्छे कॉलेजेस का, ना अच्छे स्कूल का, तो उनको आगे लेके आने के लिए एक रिजर्वेशन है जो कि माध्यम बनता है जिससे उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है ना। एक बच्चा जो कि बहुत ही अच्छे स्कूल में अच्छे कॉलेज में AC के अंदर गाड़ी में आ जाके पढ़ाई कर रहा है और एक बच्चा जहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, तो सरकार दोनों को एक इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए यहाँ पे एक नंबरों का बेनिफिट है जो कि देती है रिजर्वेशन के माध्यम से, समझ गए। हालांकि आज के प्रेजेंट एरा के अंदर रिजर्वेशन को ज्यादा पॉलिटिकली यूज किया जाता है रेदर देन की उसके सच में किसी कास्ट को बेनिफिट पहुंचाने के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे जो है ट्राइबल कोटा की बात कर गई है। पॉजिटिव जैसे कि मैंने आपको बताया इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए, नेगेटिव इसका ये होता है कि आपको अच्छा टैलेंट है जो कि आप नहीं ले पाते हो है ना, इससे डिमोटिवेशन भी होता है कई बच्चों के अंदर जो टैलेंटेड है, 300 नंबर वाला 200 नंबर वाला जो है 300 नंबर वाले को पार कर जाता है, तो उतना क्रीम उतना अच्छा टैलेंट भी जो है अच्छे कॉलेजेस अच्छे इंस्टीट्यूशन में नहीं आ पाता है बिकॉज ऑफ द रिजर्वेशन। तो ये कि अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, तो ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव है जो कि रिजर्वेशन के हैं। यहाँ पे बात करी गई है दोस्तों अरविंद केजरीवाल जी का स्टेटमेंट है, कुछ खास नहीं है। फ्रंट पेज पे अगर मैं इस वाले पेज पे अगर मैं बात करूं तो कुछ और खास नहीं है, यही वाली न्यूज है सबसे बड़ी। पहले यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिस्टम में 58% रिजर्वेशन है जो कि कर रखा था, पहले भी 58% था छत्तीसगढ़ के अंदर, 12% ST 32% ST 14% OBC के लिए, तो 12-32-14 के प्रपोर्शन में इसको किया गया था है ना। अभी इसको चेंज है जो कि करके 32% तो ट्राइबल को है जो कि दे दिया गया है। हालांकि अभी भी यहाँ पे 58% कोटा है जो कि जॉब्स के अंदर और स्टेट के इंस्टीट्यूशंस के अंदर अलाउ किया गया है, लेकिन अभी पार्लियामेंट के यहाँ तो ठीक है स्टेट के अंदर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कितना टिकेगा वो मुद्दा है। देखो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे पहले भी बोल दिया था कि 49% 50% एक सेलिंग लिमिट है रिजर्वेशन के, उसके ऊपर हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे। EWS जो आया था वो इकोनॉमिकल ग्राउंड के ऊपर था, उससे पहले जो रिजर्वेशन था वो सोशल ग्राउंड के ऊपर था ताकि लोग जो है जात पात वाला जो है मुद्दा खत्म हो सके, लोग अगर अच्छी पोजीशन के ऊपर जाएंगे अच्छी जगह पे पढ़ाई करेंगे तो शायद ये चीजें थोड़ी ना कहीं खत्म हो जाए, तो वो सोशल ग्राउंड पे दिया गया था। अभी जो दिया गया था सरकार के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% रिजर्वेशन, वो इकोनॉमिकल बेसिस पे दिया गया था इसीलिए कोर्ट के अंदर वो पास हो गया था। यहां पर जो बात करी गई यहां पर भी सोशल इश्यू के ऊपर बात करी गई, तो ये वैलिडेट करेगा नहीं करेगा दैट्स अ सेपरेट इश्यू। ठीक है, चलो ठीक है आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है पेज नंबर 12। यहाँ पे फॉरेन इंटरनेशनल चीता एक्सपर्ट है, उनकी राय लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है
ताकि चीता का जो इश्यू है उसको रिजॉल्व कर सके। वापस से दोस्तों इंडियन मेड कप सिर्फ जो है ना वो कंटेमिनेटेड है जो कि इराक के अंदर पाए गए, WHO का स्टेटमेंट है। कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था कि सरकार ने कुछ लॉज के अंदर चेंजेस करे हैं। हमारे यहाँ पे 10,000 जो यूनिट है मेडिकल की, फार्मास्यूटिकल की, उसमें से 2,000 ये जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है अपनाती है। अभी जो बची हुई 8,000 है ना, इनको भी ग्लोबल स्टैंडर्ड अपनाने के लिए बोला है ताकि बाहर जाके इस तरीके से बेइज्जती है जो कि लोग नहीं करवाए, है ना। तो कल ही हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमारे लिए यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो मालाबार एक्साइज से संबंधित इंपॉर्टेंट है। 31वां एडिशन मालाबार एक्साइज का, आपको मालूम है मालाबार की जब शुरुआत हुई थी है ना, तो 1992 के अंदर जो कि इसकी शुरुआत हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हो वॉर गेमिंग नेवल एक्साइज थी और सबसे पहले इंडिया और यूएसए की आर्मी के बीच में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में 1995-1996 के अंदर दो एडिशन और हुए। उसके बाद में ये होल्ड पे जो है वो चला गया बिकॉज हमने 1998 के अंदर हमारा शक्ति 1 शक्ति 2 न्यूक्लियर टेस्ट जो कि किया था, उसके बाद यूएसए ने मना कर दिया। 2002 के बाद से ये वापस से स्टार्ट हुआ और अब तक कंटिन्यू है जो कि चल रहा है, हर साल इसको करवाया जाता है। जापान और ऑस्ट्रेलिया ने 2007 में पार्टिसिपेट किया है ना, और 2014 के बाद से इंडिया, यूएसए, जापान तीनों है जो कि इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अभी ऑस्ट्रेलिया भी आ चुका है। क्वाड एक्सरसाइज है जो कि एक तरीके से ये बन चुकी है। अब क्वाड के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये चार कंट्रीज हैं। इस बार जो है इसको सिडनी के अंदर है जो कि फर्स्ट टाइम करवाया जा रहा है, सिडनी के पास में इसको करवाया जा रहा है। ये होने के बाद में, एक्सरसाइज होने के बाद में एक और एक्सरसाइज है जो कि करवाई जाएगी, ऑस्ट्रे इंडेक्स। हम लोग ऑस्ट्रे इंडेक्स के अंदर भी पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ही है बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जो कि करवाई जाती है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक और यहां पे होने वाला है सी पावर कॉन्फ्रेंस। सी पावर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हम लोग पार्टिसिपेट है जो कि करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने इनवाइट किया इंडिया को भी सी पावर कॉन्फ्रेंस के लिए जो कि नवंबर के अंदर होगी, और उसके अलावा फिर नेक्स्ट ऑस्ट्रे इंडेक्स है जो कि यहां पे होने वाली है। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज है जो कि मालाबार एक्सरसाइज को माना जाता है। अगर बात करें 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज को ज्वाइन किया था क्योंकि रिक्वेस्ट किया था इंडिया और अमेरिका ने, हम चाहते हैं कि चाइना को जो है इस पूरे रीजन के अंदर जो है इंडो पैसिफिक रीजन में काउंटर करें, इसीलिए इस एक्सरसाइज को बनाया गया। इसको मिनी नाटो भी कहा जाता है। बहुत अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी लेकिन फिर इन्होंने क्या किया, इंडिया को बाहर करके इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, इन तीनों ने एक और ग्रुप बना लिया अपना सेपरेट। उसके बाद थोड़ा सा जो है वो कड़वाट आया, अदरवाइज तो इन चारों कंट्री अगर ये अलग से नहीं बनाते, इंडिया को इंक्लूड रखते और चारों मिलके काम करते तो ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है जो कि हो पाती थी। ओके, तो यहाँ पे फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज जो है करने के लिए बोला गया। 2000 से चारों क्वाड कंट्रीज हैं, 2020 से जो कि इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी कई बायलेटरल एक्सरसाइज भी करते हैं हम लोग, इंडिया जापान के साथ में जिम एक्सरसाइज, सीनियो मित्री है, धर्म गार्जन है, यूएसए के साथ में हम लोग युद्ध अभ्यास, वृज प्रहार, स्पीटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ में ऑस्ट्रे इंडेक्स, ऑस्ट्रा हिंद है, पिच ब्लैक है और पैसेक्स है। ये सारे एक्सरसाइज है जो कि इंडिविजुअली भी हम इन लोगों के साथ में करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 13, यहां पे बात करेंगे कंबोडिया की। दोस्तों कुछ दिन पहले ही हमने कंबोडिया के बारे में काफी डिटेल में जाना था, है ना, और कंबोडिया के में हमने पढ़ा भी था दोस्तों कि कंबोडिया में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि 40 साल के अंदर जो है पहली बार कोई वहां का रूलर है जो कि चेंज हुआ है। वहां पे सत्ता जो थी, हम लोग तो अभी हमारे देश में तो देखो हम लोग सिर्फ पढ़ते ही हैं कि हमारे यहाँ पे दिल्ली सल्तनत थी, गुप्त डायनेस्टी थी, मौर्य डायनेस्टी थी, है ना, मुगल थे जिनके बेटे बेटे राजा बनते थे। कुछ देशों में अभी भी ये प्रथा है जो कि आपको एज ए टीज देखने को मिलेगी। 40 साल फादर ने रूल किया, सत्ता जो है अब अपने बेटे के हाथ में है जो कि दे दिए। 45 साल के दोस्तों बेटे हैं, ह्यूमैनिट इनका नाम है। कंबोडिया के किंग ने अपने बेटे को जो है अभी ह्यूमैनिट को जो है सत्ता है जो कि दे दी है। हालांकि दुनिया को दिखाने के लिए तो बोलते हैं कि हम लोग इलेक्शन करवाते हैं लेकिन यहाँ पे कोई अपोजिशन पार्टी है ही नहीं। यहाँ के जो ये रूलर थे ना पहले ह्यू सैन, उन्होंने सारी अपोजिशन को, ठीक है, वो डिक्टेटर पिक्चर देखी है वो वाला काम है जो कि यहाँ पे कर दिया था। कई लोग छोड़ के भाग गए, कई लोग इलेक्शन में लड़ने आते हैं तो वो खड़े ही नहीं हो पाते, उससे पहले उनको हटा दिया जाता है, है ना, इनवैलिड है जो कि पार्टिसिपेशन उनका करा दे दिया जाता है। इसी प्रकार से पहले भी हुआ था। ओके, तो कुल मिला के डिक्टेटरशिप है जो कि देखने को मिलती है और मेजरली सीट्स इन्हीं के पास ही है, है ना। और अगर मैं कंबोडिया के बारे में बात करूं तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि काइमर ऑफिशियल लैंग्वेज है और काइमर डायनेस्टी है जो कि यहाँ पे हुआ करती थी। उसी के 12वें शताब्दी के अंदर, है ना, सूर्यवर्मन प्रथम द्वितीय के द्वारा ही जो है अपना अंकोरवाट टेम्पल है जो कि बनाया गया। फेनम पंच जो कि इसकी कैपिटल मानी जाती है,
प्राइम मिनिस्टर, मैंने आपको बता दिया ह्यूसैन, ये जो यहाँ के जो किंग है ना वही यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है जो कि बने हुए हैं। इनको इंडिपेंडेंस जो मिली थी वो 1953 में फ्रांस के द्वारा है जो कि इनको इंडिपेंडेंस मिली थी। ठीक है, जीडीपी पर कैपिटा कुछ खास नहीं है, रियाल है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। चलिए, एक बच्चा बोल रहा है सर मेरी लाइफ चेंज हुई है आपके सेशन से, आई हैव 9th ड्रॉप आउट, क्या बात है यार। प्लेबियन बॉय, देखो अगर आप 9th क्लास में ड्रॉप आउट हो, अगर आप पढ़ाई अगर कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। आप अपनी जॉब करो, जॉब के साथ में थोड़ी पढ़ाई कंटिन्यू करो। फॉर्मल एजुकेशन अगर अगर आप ले रहे हो, देखो दुनिया में कहीं पर भी लिखा वैसे तो कह रहे कि आप अपनी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ ही सक्सेसफुल होंगे, लेकिन ठीक है, आपको अपने लाइफ में पढ़ाई करते रहना चाहिए, दैट इज बेटर, है ना। तो पढ़ाई मत छोड़ो, ठीक है प्लेबियन बॉय। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये तो बात हो चुकी है, नेक्स्ट यहां पे एक और इंटरेस्टिंग है नवाज शरीफ को लेकर। नवाज शरीफ आपको मालूम है प्रधानमंत्री थे पहले के टाइम पे, और 2019 के बाद में जो है वो छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान, क्योंकि 2018 में करप्शन के चार्जेज उनको लगे थे और जेल जाने की नौबत आ गई थी, तो यूके भाग गए थे। नवाज शरीफ अभी तक जो है वो यूके के अंदर ही अपना चिल कर रहे हैं। 2013 से 2017 के बीच में वो प्रधानमंत्री रहे। अब उनका जो छोटा भाई है, ठीक है, उनका जो छोटा भाई है शरीफ, शाहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री है जो कि बनने के लाइन पे आ चुके हैं। उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनका नाम है PMLN, ये रिटर्न होती है तो वापस सत्ता जो है इन्हीं के पास में चली जाएगी। और हो सकता है उस टाइम पे नवाज शरीफ भी वापस से प्रधानमंत्री तो नहीं बने, लेकिन देश में लौट के आ जाए। मैंने कल ही बताया था ना आपको कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री बनता है वो एक बार जेल तो जाता ही जाता है, ठीक है, क्योंकि जो नेक्स्ट आएगा वो पहले उसको जेल भेजेगा, तब जाके उसको दिल को शांति मिलेगी। तो अभी यहाँ पे शाहबाज शरीफ, अभी तो इमरान खान भी जेल में है और ये भाई तो अभी यूके के अंदर है, अभी माल्या के साथ में पार्टी वार्टी कर रहे होंगे अपने। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि है पेज नंबर 14। यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, एक तो डाटा है जो कि यहाँ पे बताया गया है कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश में कितने लोग होंगे जो कि 1 करोड़ से ज्यादा की ITR फिल करते होंगे, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते होंगे। यानी कि हमारे देश में 140 करोड़ की जनता में कितने लोग होंगे जिन्होंने ये बोला होगा आगे से सरकार को कि भाई हमारी इनकम 1 करोड़ से ज्यादा की है, हम टैक्स पे करेंगे। नॉर्मल जितनी भी बड़ी कंपनीज में जितने भी ऑफिसर, जितने भी हाई लेवल के कर्मचारी होते हैं, उन सबका 1 करोड़ से ऊपर होता ही है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, और वो लोग छुपा भी नहीं सकते क्योंकि उनके तो अकाउंट में सैलरी जाती है और वो भी टैक्स कट के जाती है, ठीक है। तो हमारे देश के अंदर जो डाटा है ना अभी जो, उसमें बताया गया है कि 1.69 लाख, मात्र 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 1 करोड़ से अबव है जो कि बताई गई है। रियलिटी के अंदर सच में इतने से लोग हैं क्या इसके अंदर? क्या फिर वो बाकी लोग नहीं है ना? 4000 तो MLA नहीं है इसमें, ठीक है, बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स नहीं है इसमें, इसके अलावा बहुत सारे ज्वेलर, बहुत सारे लोग हैं बिजनेसमैन ऐसे जो कैश के अंदर काम करते हैं, वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। कर्मचारी लोग ही हैं मेजरली जिनका बचाने का कोई तरीका नहीं है। तो 1 करोड़ से ज़्यादा 1.5 लाख लोग ही है जो कि देश में बताए गए हैं। 2 साल पहले दोस्तों ये नंबर जो है ये आधा था, इस बार ये डबल है जो कि 2 साल के अंदर हुआ है। हमारे लिए जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, हम लोग बात करेंगे UAE को लेकर, ठीक है। देखो अभी रिसेंटली क्या है कि अभी 2022 की जुलाई में 1 साल पहले एक सम्मिट है जो कि हुआ था, जिसका नाम था I2U2, याद है आपको, हमने पढ़ा भी था I2U2। इसमें क्या था, इंडिया, इजराइल, UAE और USA, ये 4 कंट्री थे I2U2। यू से हो गया USA और UAE, आई से हो गया इंडिया और इजराइल, इन चारों के बीच में सम्मिट है जो कि हुआ था, इंडिया के अंदर ही हुआ था। और जो जोश में पता है UAE ने क्या कमिटमेंट कर दिया था वहां पे, कि वो $2 बिलियन का इंडिया के अंदर फूड पार्क है जो कि बनाएगा और इन्वेस्टमेंट है जो कि करेगा। अब इस बात को 1 साल है जो कि हो चुके हैं, हम पीछे पीछे UAE आगे आगे, हम पीछे पीछे UAE आगे आगे। अब क्या है कि UAE गोलीबाजी दे रहा है, नहीं हम कल करेंगे, परसों करेंगे, नरसों करेंगे। अब हमारे लिए बहुत जरूरी है, कमिटमेंट कर दिया है तो फिर करना पड़ेगा, फिर हम लोग पीछे पीछे वो आगे आगे। उनका ये कहना है कि आपके आपके सिस्टम जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। आपने एसेंशियल कम्युनिटीज के अंदर राइस को, वीट को, इन सबको रखा हुआ है, कल को अगर आपके यहाँ पे कमी होगी तो आप इसका एक्सपोर्ट को बैन कर दोगे, तो हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे घाटा हो जाएगा, है ना। हम लोग इसके ऊपर बात करने को रेडी है वैसे, नेगोशिएट करने के ऊपर कि क्या कर सकते हैं। इसके अलावा कतर ने भी बोला है कि हमें कुछ टैक्सेशन को लेकर प्रॉब्लम है, तो हमने बोला है कि भाई ठीक है, बैठ के बात कर लेंगे टैक्सेशन पे।
लेकिन वही है, अभी तक वो आगे आगे अपन पीछे पीछे वो चल रहा है। तो एक साल के अंदर कुछ भी है जो कि अभी तक नहीं हुआ, जो कमिटमेंट इन्होंने किया था अभी तक वो उसके पॉलिसी कंसर्न को लेकर अभी भी बातें वहीं पर ही है जो कि अटकी हुई है। ठीक है, इससे हमारे फूड सिक्योरिटी को काफी बेनिफिट मिलेगा। $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर फूड पार्क पे होगा, इससे हमारे यहाँ पे जॉब्स हैं, फूड सिक्योरिटी इनफैक्ट इंडिया में नहीं पूरे वेस्ट एशिया के अंदर है जो कि इनसे बेनिफिट मिलेगा। ओके, वो वाली कहानी है। तो ये प्रपोजल 2018 में स्टार्ट हुआ, I2U2 कमिटमेंट है जो कि इन 2022 में जो है वो किया गया, अभी आगे आगे पीछे पीछे है जो कि चल रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछेंगे I2U2 पूछेंगे, समिट के बारे में पूछेंगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में, किस इंडस्ट्री में किया गया ये पूछेंगे। इंडियन एक्सप्रेस के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे दोस्तों एक न्यूज है जो कि फॉरेस्ट को लेकर है। ठीक है, 3 लाख हेक्टेयर जो फॉरेस्ट है उसको रीडाइवर्ट है जो कि पिछले 15 सालों में कर दिया गया है। मतलब फॉरेस्ट में से जो है रोड निकालना, माइनिंग करना, काफी डेवलपमेंट है जो कि फॉरेस्ट वाले एरिया में से किया गया। कौन से राज्य ने कितना किया ये पूरी जानकारी लोकसभा में दी गई। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग डेटा है। 34% जो डाइवर्टेड फॉरेस्ट लैंड है उसको माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन के पर्पज के लिए कर दिया गया। भूपेंद्र यादव के द्वारा लोकसभा के अंदर ये डाटा दिया गया है। 3 लाख हेक्टेयर का टोटल एरिया है जो कि पिछले 15 सालों में यूज कर दिया गया। सबसे ज्यादा यूज किया पंजाब ने, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद में उड़ीसा। तो ये 3 राज्य इसके अंदर टॉप के ऊपर है। अगर देखो फॉरेस्ट को अगर आप यूज भी कर रहे हो तो उतना ही फॉरेस्ट आपको कहीं और है जो कि यूज बनाना चाहिए ताकि फॉरेस्ट लैंड हमारा कम ना हो। अगर हम लोग इसी तरीके से फॉरेस्ट को उड़ाते चलेंगे कंस्ट्रक्शन के नाम पे, रोड बनाने के नाम पे, माइनिंग के नाम पे, तो क्या होगा, पॉजिटिव होने के बजाय नेगेटिव ज्यादा हो जाएगा हमारे लिए। ओके, मैक्सिमम माइनिंग है और रोड है, ये 2 कारण है, तीसरे के ऊपर इरिगेशन है। ठीक है, तो ये कहानी है जो कि इसके अंदर बताई गई है। फॉरेस्ट लैंड हमारा इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर है वो 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर का है टोटल, अभी 24.73 है। अगर मैं फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करूं तो मिला के फॉरेस्ट कवर जो है वो 21.71 है, प्लस इसमें कोई 3% के आसपास ट्री कवर भी है, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिला के 14.69% के आसपास है जो कि हमारा पहुंच जाता है। 514 हेक्टेयर लैंड जो है वो एनक्रोच पिछले 15 सालों के अंदर करी गई है। तो ये डाटा है जो कि अभी लोकसभा के अंदर दिया गया। आगे बात करते हैं हवाना सिंड्रोम के बारे में। आपको मालूम है ना हवाना सिंड्रोम में क्या हुआ था, कि जहां जहां पे दुनिया भर में यूएस के जो ब्यूरोक्रेट्स से जो एम्बेसी के लोग थे ना, उन सबको कानों के अंदर जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कानों में अजीब अजीब से आवाजें जो कि आ रही थी, और सिर्फ यूएसए के लोगों को ही आ रही थी। पूरी रिसर्च कर दी गई, सब कुछ कर दिया गया, अभी तक ये पता नहीं चला कि ये क्यों हो रहा था। अभी रिसेंटली हुआ क्या, सेंटर हैज टोल्ड द कर्नाटक हाईकोर्ट, तो कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट को बोला था कि भाई आप इस मैटर के ऊपर देखो हवाना सिंड्रोम इंडिया के अंदर कैसे काम कर रहा है। एक बैंगलोर का एक रेसिडेंट था, उसने पेटिशन है जो कि कर्नाटक हाईकोर्ट में लगाई थी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेंटर गवर्नमेंट के पाले में ये बॉल है जो कि फेंक दी कि बताओ भाई ये क्या मामला है। तो कोर्ट ने जो है ओके बोला था कि भाई सेंटर से काउंसिल करेंगे इसके बारे में, 3 मंथ का टाइम है जो कि इसके अंदर दिया था। ओके, और इन्होंने बोला था कि भाई ये हाई फ्रिक्वेंसी जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन इंडिया के अंदर अगर हो रहा है तो उसको कैसे रोका जाए ताकि हवाना सिंड्रोम वाली प्रॉब्लम हमारे देश के लोगों को नहीं हो। एक बंदे के कुछ हो गया होगा कान वान में, कुछ इशू उसने टेक दिया, उसने बोला मेरे को भी हवाना सिंड्रोम है। ठीक है, उसके बाद ये इंक्वायरी है जो कि स्टार्ट हो गई। तो हवाना सिंड्रोम एक्चुअली में क्या था, ये सिम्टम्स है जो कि यूएसए के लोगों इंटेलिजेंस और एम्बेसी के ऑफिशियल्स के द्वारा पूरी दुनिया भर में महसूस किए जा रहे थे। इसमें अजीबोगरीब साउंड है जो कि कानों में आ रहा था, नक्सीर आना, नौजिया आना, वर्टिगो, हेडेक होना, मेमोरी लॉस होना, इस तरीके की एक्टिविटीज है जो कि यूएसए के ऑफिशियल्स के द्वारा पूरी दुनिया में महसूस करी गई। सबसे पहले 2016 के अंदर जब क्यूबा के अंदर ये लोग थे है ना, तब वहां पे एक एम्बेसी है जो कि ओपन करी थी उन्होंने हवाना के अंदर। दोनों ही देशों के बीच में रिलेशनशिप 2015 के अंदर थोड़े बेहतर हुए थे। उसके बाद वहां के जो इंटेलिजेंस के यूएस के ऑफिसर थे और जो एम्बेसी के लोग थे ना, उन्होंने इस तरीके के प्रेशर जो है उनके ब्रेन के ऊपर पड़ना स्टार्ट हुआ था, साउंड जो है वो आना स्टार्ट हुआ था, हेडेक होना और ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। क्यूबन इंसिडेंट के बाद में अमेरिकन पूरी दुनिया में जहां जहां पे पोस्ट करे गए सेम इंसिडेंट देखने को मिले, जैसे कि चाइना के अंदर भी, उसके अलावा उज्बेकिस्तान के अंदर भी, उसके अलावा वॉशिंगटन के अंदर भी, उसके अलावा कुछ लोग तो जो इंडिया आए थे, इंडिया आने के बाद इंडिया जब ये लोग आए तो इंडिया के अंदर भी यूएस ऑफिशियल्स को ये प्रॉब्लम आई, जिसके अंदर CIA के ऑफिशियल्स भी देखने को मिले। इनफैक्ट पूरी दुनिया में 130 इंस्टेंसेस पूरी दुनिया में देखने को मिले, ताइवान, कोलंबिया, पोलैंड, उज्बेकिस्तान, ऑस्ट्रिया, सब जगह पे। 2021 के अंदर इंडिया के अंदर जब दिल्ली आए थे तब भी ये सेम इंसिडेंट है जो कि देखने को मिला। ओके, अब ये कैसे हो रहा है इसके बारे में अभी तक कोई भी 100% जानकारी है जो कि नहीं मिल पाई। यहाँ के साइंटिस्ट और मेडिकल जो एग्जामिनेशन उन्होंने किया
उन्होंने ये पता किया कि कहीं पर हाई पावर्ड माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि रिलीज करी गई, उससे नर्वस सिस्टम के ऊपर ये इंपैक्ट है जो कि हुआ है। ओके, कुछ स्पेशल गैजेट से जो है ना ये माइक्रोवेव जो है वो भेजी गई थी, तो इसको अमेरिकन के द्वारा माइक्रोवेव वेपन का नाम है जो कि दिया गया। कई जगह पर डाटा कलेक्शन भी किया गया। यूएस ने अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि दुनिया के अंदर कोई माइक्रोवेव वेपन नाम का कोई हथियार रियलिटी में एग्जिट करता है या फिर नहीं करता है, तो इसके ऊपर अभी तक जो है 100% कोई भी जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि माइक्रोवेव वेपन बनाना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है और इस तरीके की साइकोलॉजिकल इलनेस अगर किसी को हो रही है और अमेरिका अगर बोल रहा है कि ये रियलिटी नहीं हो सकते तो काफी मुश्किल है कि दुनिया में रियलिटी हो, लेकिन उसका क्या कारण होगा और ये अभी तक किसी को नहीं पता है। ठीक है, बहुत ही अजीब गरीब बात है ना, मतलब अमेरिका के लोगों के ऊपर इस तरीके से अटैक। चलिए आगे बात करते हैं टेस्ला को लेकर। टेस्ला की जो CFO है ना, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो एक इंडियन ओरिजिन है, वैभव तनेजा इनको है जो कि दोस्तों बना दिया गया है। ओके, इससे पहले जो है यहाँ पे क्रॉन करके एक पर्सन थे, उनको हटा दिया गया, उन्होंने स्टेप डाउन कर दिया। 45 ईयर के हैं, टेस्ला के नए CFO है जो कि बन चुके हैं। चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर भी थे दोस्तों अभी पहले ये, किरहॉन करके टेस्ला के, मास्टर ऑफ कॉइन करके एक और कंपनी थी उसके अंदर, और अभी इनको CFO बना दिया गया है। ठीक है गाइस, क्या होता है कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, CFO फाइनेंशियल्स को देखने वाला, एक स्टैट्स को देखने वाला होता है, एक टेक को देखने वाला होता है, एक ऑपरेशंस को देखने वाला चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है ना, इस तरीके कई सारे लोग होते हैं। ओके, और ये सारे रिपोर्ट जो है वो CEO को जो है वो करते हैं अपने अपने काम की, है ना, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लोगों को जो है वो अपॉइंटमेंट किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, एंडिंग पॉलीगैमी द आसाम रूट। तो अभी रिसेंटली दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इश्यू है जो कि पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आसाम के जो CM है उन्होंने अभी ये बोला कि हम लोग जो है ना क्या करेंगे, आसाम के अंदर पॉलीगैमी जो है उसको हम लोग बैन कर देंगे। अब देखो पॉलीगैमी होता क्या है, दो प्रकार के वर्ड है जो कि नॉर्मली होते हैं, है ना। पॉलीगैमी हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं पॉलीगैमी का मतलब कि एक पुरुष ने दो एक इससे ज्यादा महिलाओं के साथ में शादी है जो कि कर रखी है, समझ गए, उसको हम लोग पॉलीगैमी है जो कि कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली के अंदर। पॉलीएंड्री का मतलब होता है जब एक महिला के, देखो पॉली का मतलब तो एक से ज्यादा होता है, इतना तो आपको पता ही है। जब मैं बोलता हूं एंड्री ANDRY, इसका मतलब वन से ज्यादा, वन प्लस हस्बैंड, एक महिला के एक से ज्यादा हस्बैंड है, पॉलीएंड्री इसको कहते हैं। और अगर एक से ज्यादा वाइफ होना तो उसको पॉलीगैनी कहते हैं, PGYNY, पॉलीगैनी, इसमें वन प्लस वाइफ, ठीक है, समझ गए। तो एक्चुअल जो वर्ड है ना वोकैबुलरी के हिसाब से, तो पॉलीएंड्री का मतलब हो गया एक से ज्यादा हस्बैंड होना, और पॉलीगैनी का मतलब हो गया एक से ज्यादा वाइफ होना। लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ पे पॉलीगैमी को ही पॉलीगैनी है जो कि माना जाता है, जहां पे हम लोग बोलते हैं एक पुरुष के एक से ज्यादा वाइफ है जो कि अवेलेबल है, समझ गए मेरी बात। तो ये दोनों वर्ड को जो है एक दूसरे के साथ में कॉन्सिस्टेंटली काम में लिया जाता है। तो पहले तो ये वोकैबुलरी का पार्ट ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, हालांकि पॉलीगैमी का मतलब नॉर्मली वैसे ये होता है, प्रैक्टिकली या टेक्निकली मैं बात करूं, अगर किसी का एक से ज्यादा पार्टनर है तो। अब पॉलीगैमी में एक से ज्यादा पार्टनर का मतलब ये होता है कि पुरुष का भी हो सकता है एक से ज्यादा पार्टनर या महिला का भी हो सकता है, तो पॉलीगैमी का मतलब कोई भी महिला पुरुष जिसका एक से ज्यादा पार्टनर है उसको कहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जब हम लोग पॉलीगैमी कहते हैं तो उसका मतलब ये निकलता है कि एक महिला एक पुरुष के एक से ज्यादा शादियां हैं जो कि उसने कर रखी है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा दूंगा आज मैं आपको यहाँ पे जो कि आसाम के शायद CM को पता होता तो शायद वो इस स्टेप को शायद बोल नहीं पाते, और या फिर शायद वो इस बात को मुद्दे को उठाते नहीं, है ना, और या तो उनको पता होगा तो उनको ये पता है कि जनता को नहीं पता है इस डेटा के बारे में कि हमारे यहाँ पे सारी कम्युनिटी के लोग हैं जो कि ऐसे हैं जो कि शादी एक से ज्यादा महिलाओं के साथ में करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा बताया गया। देखो हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है ना, हिंदूज में, सिख, बुद्धिस्ट, जैन के अंदर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के माध्यम से पॉलीगैनी को अलाउ यानी कि बैन है जो कि कर दिया गया था। पॉलीगैमी बोल लो या पॉलीगैनी बोल लो एक ही बात है, पॉलीगैमी हम लोग यूज करते हैं जिसमें एक से ज्यादा पार्टनर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, इजी होगा हमारे लिए। उसी प्रकार से क्रिश्चियन ने 1872 में, पारसी ने 1936 के अंदर है जो कि बैन कर दिया। तो सारे के सारी कास्ट जो जितनी भी कम्युनिटीज है ना सबने पॉलीगैमी को बैन कर दिया। एक मुस्लिम ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 उसके अंदर है जो कि अभी तक लिबर्टी है जो कि मिली हुई है कि आप एक से ज्यादा शादी है जो कि कर सकते हो, समझ गए, या फिर एक से ये वाली कहानी है। तो 1955 में तो सारी कास्ट ने कर दिया,
मैरिज जो एक्चुअली में सब्जेक्ट है ना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये भी पेपर में पूछेंगे आपसे। कॉन्करेंट लिस्ट में यानी कि स्टेट और सेंटर दोनों इसके ऊपर कानून है जो कि बना सकते हैं, हालांकि सेंटर को इसके ऊपर ज्यादा पावर है जो कि मिलती है। ओके, अब देखते हैं कि कितने लोग हैं जो कि शादी कर रहे हैं अलग एक से ज्यादा। तो क्रिश्चियन के अंदर 2.1 मैक्सिमम, उसके बाद में मुस्लिम में 1.9% और हिंदूज में भी 1.3% आपको देखने को मिलेंगे। अब आप बोलोगे सर ये हिंदूज में 1.3 कैसे है, क्रिश्चियन में 2.1 कैसे है मैक्सिमम, हमने तो मुस्लिम का सुना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली में मुस्लिम के अंदर भी अब ऑलमोस्ट बंद हो चुकी है, क्योंकि महिलाओं को अपने राइट्स पता चल चुके हैं। अब कोई भी महिला जो है, पत्नी जो है, वो क्या बोलते हैं आज के टाइम पे किंग होती है चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी अमीर गरीब छोटा बड़ा, सलमान तो खैर सॉरी सलमान खान गलत एग्जांपल, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे दुनिया का कितना ही बड़ा पर्सन हो, ओके घर में जो है चलती उन्हीं की आज के जमाने में। तो अब क्या वो दो दो तीन तीन शादियों वाली प्रथा बंद हो चुकी है? आपने शायद ही कोई अपना आपका मुस्लिम फ्रेंड है जो कि पिछले 5 सालों के अंदर देखा होगा किसी ने मुस्लिम फ्रेंड या मुस्लिम के फ्रेंड के पापा दादा कोई भी ऐसा जिन्होंने एक से ज्यादा शादी करी होगी पिछले 10 सालों के अंदर, शायद ही 10 से 15 सालों में आपको ये कोई इंसिडेंट देखने को मिला होगा, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर देखने को मिला होगा, क्योंकि लोगों ने बंद कर दिया, अब कोई भी महिला एक्सेप्ट करती नहीं है, वो वाली कहानी है ठीक है, उल्टा होता है, उल्टे जूते पड़ते हैं ठीक है वो वाली कहानी है। चलिए ओके, ऐसे 40 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे आज भी ट्राइबल्स के द्वारा पॉलीगैमी करी जाती है। अब आप बोलोगे सर देखो कानून के हिसाब से तो हिंदू में और क्रिश्चियन के अंदर अलाउ नहीं है, तो इन्होंने कैसे कर ली? तो देखो जो ट्राइबल बेल्ट है ना उनके कानून अलग होते हैं, ट्राइबल बेल्ट के कानून अलग होते हैं, उनके अंदर अलाउ होता है मल्टीपल शादियां करना। तो ये जो आपको 2.1 और जो हिंदूज में 1.3 दिखने को मिल रहे हैं ना, ये ट्राइबल बेल्ट वाले हैं जिन्होंने आज भी वहां पर ये प्रथा है जो कि आपको देखने को मिलेगी। तो फैमिली हेल्थ सर्वे में भी ये बताया गया कि बहुत सारे राज्यों के अंदर आज भी लोग एक से ज्यादा शादियां कर रहे हैं, लेकिन उनको जो परसेंटेज है ना वो 1 से 2% लोग ही है सिर्फ, है ना, लेकिन डाटा तो है अवेलेबल ठीक है गाइस। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है ये बात ध्यान रखिएगा, 7th शेड्यूल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ रिपग्नेंसी अंडर द आर्टिकल 254 जो है उसके अंदर ये भी बोला गया है कि अगर यूनियन लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा, अगर स्टेट प्रेसिडेंट असेंट है जो कि किसी भी कानून के ऊपर नहीं लेता है तो ठीक है गाइस, ये बात आपको ध्यान रखिए। एक और इंटरेस्टिंग बात बताया क्या है कि गोवा ने यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो कि इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन गोवा के अंदर भी स्पेशल कानून बना हुए हैं कि कोई भी हिंदू जो है वो मल्टीपल शादी कर सकता है, समझ गए? पता है आपको ये बात, शायद ही आपको पता होगी। तो यहां पे आप देखिए कि यूसीसी का जो कानून है गोवा के अंदर, वहां पे स्पेसिफिक कंडीशन बताई गई है कि कोई हिंदू मेल रेसिडेंट भी स्टेट में शादी कर सकता है एक से ज्यादा महिलाओं के स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर, समझ गए? तो ये गोवा के अंदर प्रावधान है जो कि दिया हुआ है। तो गोवा ने जो है वो अवेलेबल करवा रखी है बाइगैमी अमोंग हिंदूज, है ना, ये वाली कहानी है। चलिए अब यहां पे एक और इंटरेस्टिंगली बात करते हैं, ये तो बात हो चुकी है, कई सारे केसेस है जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऑलरेडी हो चुके हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर हम लोग सेम कानून है जो कि सभी के ऊपर लाने की बात कर रहे हैं, ओके, यानी कि कोई भी जो है वो, चाहे वो ट्राइबल हो, चाहे वो कोई सा भी रिलीजन का हो, एक से ज्यादा शादी है जो कि नहीं कर पाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे फिर वो पुरुष हो, समझ गए? कोई भी नहीं कर पाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर यही है। अब इसके अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन को चिंता है कि अब वहां पे सबसे ज्यादा शादियां हो रही है आज भी, तो वो कितना प्रोटेस्ट करेंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कितना झटकानी है, ये वो मुद्दा है जो कि जरूर उठाएंगे। लेकिन हमारे दोस्तों संविधान में भी लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 44 में कि हमारे देश के अंदर एक समान कानून है जो कि होनी चाहिए जब हम लोग किसी के राइट्स के बारे में बात करते हैं। ऑलराइट, चलिए ठीक है। तो कैसे साहबानो केस हो चुका है, सरला मुद्गल केस हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसके बारे में चर्चा है जो कि कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पर्सनल गेन के चक्कर में ये नहीं होना चाहिए, जब लोग इसको मासेस एक्सेप्ट करने लग जाए कि हाँ चलो ठीक है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तब इसको इंप्लीमेंट है जो कि कर दिया जाए, समझ गए? क्योंकि कानून जो है वो हमेशा समाज के हिसाब से बदलता है। चलिए, मल्टीपल वाइव्स मोस्ट कॉमन अमाउंट ट्राइबल, तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है जो कि हुआ था अभी 2022 का डाटा है, लास्ट ईयर का ही, जिसमें मल्टीपल वाइव्स वाला जो है मुद्दा उठाया गया। इसमें बोला गया कि पॉलीगैमी जो है ये लिटिल मोर प्रिवेलेंट, मुस्लिम में थोड़ी ज्यादा है कंपैरेटिवली हिंदूज में, लेकिन कई राज्यों के अंदर ये उल्टा भी है, जैसे कि छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पे हिंदूज की पॉपुलेशन ने ज्यादा शादी कर रखी है मल्टीपल कंपैरेटिवली मुस्लिम्स के। तो ये पूरा डाटा है जो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में दिया गया 2005-06 के टाइम पे भी था और 2019-20 के टाइम पर भी है, ठीक है। हरियाणा के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जम्मू कश्मीर के अंदर डिक्रीमेंट है, दिल्ली के अंदर भी डिक्रीमेंट है। तो ये पूरा डाटा है जो कि पिछले 10 सालों के अंदर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा रिलीजन के हिसाब से मेजर स्टेट में मल्टीपल शादियां हैं जो कि करी गई,
ओके, पॉलीजेनी जो है ना ये ज्यादा अनएजुकेटेड लोगों में ज्यादा कॉमन है. ओके, पुअर फैमिलीज जो अगर आप देखोगे ना जो अनएजुकेटेड है वहां पर ही मल्टीपल शादियां जो की होती है, आपको बहुत ही रेयरली जो है एजुकेटेड फैमिलीज के अंदर देखने को मिलेगा. नेशनली बात करें तो लोवेस्ट है हिंदूज में, उसके बाद में मुस्लिम, क्रिश्चियन, और सबसे ज्यादा आपको क्रिश्चियन में देखने को मिलेगी, सेकंड में मुस्लिम, थर्ड के ऊपर हिंदूज के अंदर. इसके अलावा जो बाकी कास्ट है जैसे कि बुद्धिस्ट है, पारसी है, उनके अंदर भी है ये प्रेवलेंट है, वो भी यहाँ पे डाटा है जो कि दिया गया है. एसटी एससी ओबीसी के हिसाब से भी दिया गया है, एसटी के अंदर मैक्सिमम है, और सिख मुस्लिम क्रिश्चियन ये तीन, बुद्धिस्ट के अंदर 1.3%, हिंदू और बुद्धिस्ट में बराबर, सिख में भी है 0.5%, और अदर्स में 2.5% है. ओके, रिलीजन के हिसाब से एजुकेशन लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको नो एजुकेशन वाले लोगों में दिखेगी, उसके बाद जिन्होंने सिर्फ प्राइमरी तक एजुकेशन हासिल करी है उनमें. वेल्थ इंडेक्स के हिसाब से सबसे ज्यादा जो गरीब लोग हैं उन्हीं में देखने को मिलेगी 2.4%, रिचेस्ट में या रिचर में सबसे कम आपको ये देखने को मिलेगा. एज ऑफ वुमेन की बात करें तो जो 35 से ज्यादा प्लस महिलाएं हैं उनके अंदर आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उनको अपने जीवन व्यापन के लिए एक तरीका है जो कि ये निकाल लेते हैं. ठीक है, तो ये डाटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग डाटा है जो कि शायद ही बहुत कम लोगों को पता होगा. चलिए, जिन राज्यों में 40 ऐसे जिलों के अंदर जहां पे पॉलीगैमी पाई गई वो ज्यादातर कौन से थे, ट्राइबल वाले ही है, जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. ओके, ऑलराइट, यहां पे आप देखोगे मेघालय में ईस्ट जाति हिल्स वाले एरिया में 20% आपको पॉलीगैमी रेट है जो कि देखने को मिलेगी. वैसे अरुणाचल में करा डाडी है, जैतिया, खासी है ना, ये सारे डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग राज्यों के अंदर जहां पे इस प्रकार के आपको पॉपुलेशन में मेजरली प्रेवलेंस आपको मल्टीपल शादियां देखने को मिलेगी. ट्राइबल पॉपुलेशन यहाँ पे 90% से भी ज्यादा है, 80% है ना, ये वाली कहानी है. ठीक है, और यहाँ पे लिटरेसी भी महिलाओं की कोई खास नहीं है, कई जगह पे ज्यादा भी है, कई जगह पे कम भी है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये ट्राइबल पॉपुलेशन है इसलिए यहाँ पे ज्यादा प्रेवलेंट है ये. ऑलराइट, आगे बात करते हैं नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस. तो पीआईबीए के अंदर दोस्तों इसके बारे में बताया गया है जो कि हम लोग बात करेंगे निधि इनिशिएटिव के बारे में. एक बच्चा यहाँ पे कॉमेंट कर रहा है, सर ये एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? अरविंद, अरविंद आपको लगता नहीं है कि हम लोग इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, डीप डाइव वाले नॉलेज की बातें कर रहे हैं, इतना अच्छा करंट अफेयर के सेशन में इतनी नॉलेज, इतने अच्छा आर्टिकल्स हम लोग कवर कर रहे हैं, तो ये आपके एफकेट के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा. एफकेट में कहां से आएगा करंट अफेयर, कोई मार्स या जुपिटर के लोग थोड़ी ना बनाएंगे, बनाएंगे तो वही लोग जिनको अखबारों में से बनाना है या ना, या फिर जो आपको किताबों में से उनको बनाना, किताबों में कहां से आएगा, न्यूज़पेपर में से आएगा, वो हम लोग कवर कर ही रहे हैं. ठीक है, बिंदास होके दो एफकेट पेपर, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं जाएगा आपका, समझ गए. चलिए, तो रिसेंटली क्या है कि निधि नाम का एक इनिशिएटिव है दोस्तों जो कि बहुत पहले लॉन्च किया गया था 2016 में. निधि को लॉन्च किया गया था किस लिए, हम लोग एक इनोवेशन के ऊपर काम करें हमारे देश में, है ना, डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशन, ये निधि की फुल फॉर्म थी. इनोवेशन को आगे लेके जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम लोग अभी आरएनडी के अंदर पिछड़ रहे हैं बहुत ज्यादा. तो ये डाटा है जो कि पार्लियामेंट के अंदर दिया गया, अभी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको भी पास है जो कि कर दिया गया है पार्लियामेंट में, तो उससे भी थोड़ा हमें बेनिफिट मिलेगा. निधि प्रोग्राम में कई प्रकार के प्रोग्राम लॉन्च करेंगे, जैसे कि एक प्रयास नाम का लॉन्च किया गया, स्टार्टअप्स को मदद करेंगे, एक इंक्यूबेटर बनाए गए फंडिंग के अंदर, इसके अलावा एक्सीलेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उनको स्टार्टअप्स को आगे ले जाने में हेल्प करेंगे, सीड प्रोग्राम था जिसमें थोड़ा बहुत पैसा देकर उनको हेल्प करेंगे, इंक्यूबेटर्स बनाए गए, इस तरह के अलग अलग प्रोग्राम है जो कि इस निधि प्रोग्राम के अंदर में चलाए गए. हमारे यहाँ पे देखो इनोवेशन की बात करें तो हम लोग अभी बहुत पीछे हैं, हमारी रैंकिंग 132 में से अभी 40वीं रैंकिंग के ऊपर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2022 के अंदर. थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरी दुनिया में हमारे यहाँ पे ही है, 108 यूनिकॉर्न कंपनी यानी कि $1 बिलियन से इनकी वैल्यूएशन है वो आपको देखने को मिल रही है. 44 तो जिसके अंदर कोविड के टाइम पे 44 और 21 यानी कि 108 में से अगर आप 66 देखोगे तो ये सिर्फ कोविड के टाइम पर ही बनी है. ओके, इसके अलावा आरएनडी की अगर आप देखोगे तो हमारे दोस्तों यहाँ पे आरएनडी का जो परसेंटेज शेयर है वो बहुत ही कम है, सिर्फ 0.5% हमारे जीडीपी का, 0.5 से 0.65% के आसपास ही जो कि हम लोग आरएनडी पे लगाते हैं, जबकि पूरी दुनिया का जो ग्लोबल एवरेज है वो 2.2% है, समझ गए. जिसमें अगर आप देखोगे इसराइल तो 5% जीडीपी का, साउथ कोरिया 4.5%, जापान 3.2% है ना, और हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम फंडिंग, रेवेन्यू जनरेशन, सपोर्टिव इंफ्रा, इन सब की भी है जिसकी वजह से हम लोग इनोवेशन के ऊपर काम नहीं कर पाते हैं. आपको जान के हैरानी होगी क्लास 24 इंडिया की ओनली एक एजुकेशन कंपनी है जो कि टोटल अपने खर्चे का 5% जो है वो आरएनडी के अंदर इन्वेस्ट करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्कूल के बच्चों को कैसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी उनको अच्छे से करवाया जा सके. बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े स्कूल्स और मिडिल क्लास सारे स्कूल्स हैं जो कि
क्लास 24 के पास में है, जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना रियल रियल चीज़ों के साथ में सिखाई जा रही है। जैसे कि सोलार है, सोलार कैसे काम करता है, एक बच्चा आके हाथों से जो है वो बना के देख सकता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है वो हाथों से बना के देख सकता है। ओके, तो इसके ऊपर काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो एकमात्र एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी सब आपको मालूम है, बस कोर्स बेचना है किसी भी कीमत पे, इधर से उधर टीचर उठा के लेके जाओ, इधर से उधर उठापटक करो, कोर्स बेचो, सब इसी के ऊपर चल रहा है। चलिए ठीक है, तो देखो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है कि जो भी टोटल खर्चा होता है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, उसका 3/4 जो खर्चा होता है वो सरकार करती है और 1/4 प्राइवेट सेक्टर करता है, जबकि दुनिया में उल्टा होता है। दुनिया में प्राइवेट सेक्टर के पास में अपॉर्चुनिटी होती है कि वो रिसर्च के ऊपर ज़्यादा पैसा लगाए, हमारे देश में उल्टा है, सब कुछ कॉपी पेस्ट है। आप देखो ना अमेजोन का, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, वहाँ पे उबर का ओला है, ठीक है, उसके अलावा अमेजोन के यहाँ पे जो प्राइम था नेटफ्लिक्स है उसके यहाँ पे कॉपी हो गए, जियो सिनेमा और भी क्या है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो कि बने हुए हैं, वो सब है, सब कुछ कॉपी पेस्ट, अमेरिका से उठाओ इंडिया में लागू करो, अमेरिका से उठाओ इंडिया में लागू करो। एक भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि ग्लोबली इंडिया से अमेरिका में जा रही है, अब बस अपनी एक आईटी कंपनी है जिन्होंने थोड़ी जान बचा रखी है, हमारी TCS, इंफोसिस, विप्रो, जिन्होंने बाहर भी वो लोग उतना ही जबरदस्त काम करते हैं जितना कि इंडिया में, अदरवाइज तो बंटा दार हो गया था। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि GDP का शेयर है, जो कि यहाँ पे बताया गया हमारे यहाँ पे 0.65% के आसपास है, दुनिया के बाकी सारी कंट्रीज अगर आप देखोगे तो काफी हाई लेवल पैसा इन्वेस्टमेंट है जो किए GDP का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर करते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो रिसेंटली वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है जो कि 2023 मनाया गया, यूनिसेफ, WHO, पूरी दुनिया ने बताया कि किस तरीके से हमने ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर प्रोग्रेस है जो कि करी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों किसी भी बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम और उस बच्चे की लाइफ के लिए, उसके बच्चे के विटामिंस, मिनरल्स, उसके न्यूट्रिशन के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ऑलराइट, जो मदर का जो मिल्क होता है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बच्चे के लिए, तो उसी को प्रमोट है जो कि पूरी दुनिया के अंदर किया गया है। सबसे पहले इसकी शुरू ये कब मनाया जाता है, जो फर्स्ट वीक होता है ना अगस्त का, तब इसको दोस्तों पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। 1990 के अंदर इनोसेंटी डिक्लेरेशन है जो कि किया गया था, जहां पे पूरी दुनिया ने साइन किया इसको, और उसके बाद में इनोसेंटी, ये ध्यान रखिएगा, ये डिक्लेरेशन से ब्रेस्टफीडिंग वीक की शुरुआत है जो कि पूरी दुनिया भर में करी गई। UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर भी इसको शामिल किया गया 2016 में। हम लोग 17 में से कई सारे गोल अचीव कर सकते हैं अगर ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करें तो। इस साल की थीम रखी गई है लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग एट वर्क, है ना, एट वर्क वर्क, ओके, कि हम लोग वर्किंग प्लेसेस के ऊपर भी ब्रेस्ट फीडिंग वाली जगह है जो कि महिलाओं को अवेलेबल करवाए, ताकि बच्चा जो है वहां पे, ये कंपलसरी एक्चुअली लॉ के अंदर भी है कि अगर कोई महिला, अगर मान लीजिए बच्चा होने के बाद में ऑफिस आती है तो आपको एक क्रैच वाली सुविधा देनी पड़ेगी, जहाँ पे वो बच्चे को छोड़ के आ सकती है, हर 2-3 घंटे में जाके बच्चे को दूध भी पिला के आ सकती है ना, तो ये सुविधाएं हैं जो कि अवेलेबल करवाई जाती है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं 9th नेशनल हैंडलूम डे को लेकर। ओके, तो 7 अगस्त को पूरी दुनिया, पूरे देश में इसको मनाया जाता है। आपको मालूम ही है कि हैंडलूम हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, जो हमारे नेहरू जी हैं, हमारे हमारे देश के जो वल्लभ भाई पटेल, हमारे सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, उन सब ने दोस्तों 70 साल पहले ही इसकी इंपॉर्टेंस बताई थी कि भाई इसको प्रमोट करो, लोगों को रोजगार है जो कि बहुत अच्छा मिलेगा गांव के अंदर। हर साल हम लोग 7 अगस्त 2015 से इसकी शुरुआत है जो कि हमने करी है इसको, ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट जब लॉन्च हुआ था उसी टाइम पे हमने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे है जो कि मनाया है, हमने उस टाइम पे हमारे खुद के हैंडलूम के प्रमोशन के स्वदेशी मूवमेंट है जो कि चलाया है। इस बार की थीम रखी गई है हैंडलूम्स फॉर सस्टेनेबल फैशन। आगे बात करते हैं देविका के बारे में। देविका क्या है, नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट है, जैसे कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट है ना, उसी प्रकार का दोस्तों ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट रिवर रिजुविनेशन प्रोजेक्ट देविका। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट है जो कि किया गया। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक देविका नाम की रिवर है जम्मू कश्मीर के उधमपुर में, उसको हम लोग रिजुविनेट है जो कि कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि वहां पे जो भी कचरा है, जो उसके वेस्ट है, उसको हम लोग क्या करें, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से उसको इंप्रोवाइज करें। देविका ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं भू विजन। भू विजन क्या है, भुवनेश विजन कुछ ऐसा लग रहा ना नहीं, भू विजन जो है ये सरकार का एक और इनिशिएटिव है जिसमें हमने क्या किया है, एक सॉइल टेस्टिंग एंड एग्रोनॉमी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जो कि बनाया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के ऊपर बनाया है, कि आप 30 से ज्यादा सॉइल के जो पैरामीटर है वो आधे घंटे में टेस्ट कर सकते हो, इस तरीके का एक प्लेटफॉर्म है जो कि ये बनाया गया है। इसका पूरा नाम है भूविजन का कृषि राष्ट्रीय सॉइल टेस्टिंग सिस्टम, है ना, ICAR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 12 सॉइल पैरामीटर जो है वो टेस्ट 30 मिनट के अंदर आप यहाँ पे मोबाइल हेल्थ कार्ड के द्वारा फार्मर्स को अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।
है ना, सही इनिशिएटिव। अब इसमें क्या है कि आपको पता लग जाएगा कि सॉइल की हेल्थ कैसी है, क्या उसको चाहिए, कौन से न्यूट्रिशन चाहिए, क्यों खेती जो है वो अच्छी नहीं हो रही है ना। टेक्नोलॉजी यूज करने से एग्रीकल्चर में काफी मदद मिलती है। आगे बात करते हैं सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ शुगर को लेकर। देखो दुनिया के दोस्तों सबसे बड़े शुगर प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो कि हम लोग बन चुके हैं। कुछ टाइम पहले ही दोस्तों हमने अभी लास्ट ईयर ही ब्राजील को पीछे छोड़ दिया है। अभी प्रॉब्लम पता क्या है शुगर इंडस्ट्री का, कि हम लोग है ना शुगर इतना ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन शुगर जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं वो किससे, अंडरग्राउंड वाटर यूज करके करते हैं, रेनफॉल से नहीं कर रहे, अंडरग्राउंड वाटर से कर रहे हैं। अंडरग्राउंड वाटर की तो लिमिट है और वो ऑलरेडी बहुत नीचे धसा हुआ है पानी, तो 300-300 फीट तक है, 350-300 फीट में पानी आता है, कई जगह तो 400 फीट खड्डा खोदना पड़ता है तब जाके पानी बाहर निकलता है, ये वाली कहानी है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, हमने दुनिया के सबसे ज्यादा कंज्यूमर भी है और हम लोग सबसे ज्यादा प्रोड्यूस भी करते हैं। हमारे यहाँ पे तीन मेजर चीजें हैं जो कि इन शुगर से बनती है। सबसे ज्यादा तो बनते हैं हम लोग गुड़ हो गया, एक शुगर हो गया, एक खंड हो गया, ये तीन चीजें जो कि हम लोग सबसे ज्यादा बनाते हैं। डोमेस्टिक डिमांड भी बहुत ज्यादा है पॉलिसी और अब तो हम लोग इथेनॉल के पे भी प्रोडक्शन के ऊपर काम कर रहे हैं, है ना, इथेनॉल, तो वहां पर भी शुगर केन से हम लोग ये सस्टेनेबल फ्यूल बनाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर भी चाहिए शुगर प्रोडक्शन। तो अब यही देखना जरूरी है कि हम लोग कैसे इस प्रोडक्शन को मेंटेन जो कि कर पाएंगे। तो सरकार ने एक FRP भी लॉन्च कर रखी है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, कि मिनिमम इतना पैसा तो शुगर मिल के ओनर्स को, किसानों को हम लोग अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग हैवी सब्सिडीज भी देते हैं एक्सपोर्ट के टाइम पे, जिसका प्रोटेस्ट कई सारे देशों ने WTO में किया था कि इंडिया तो जानबूझ के किसानों को सब्सिडी देकर एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे रहा है, जबरदस्ती एक्सपोर्ट करवा रहा है, तो इससे तो बेनिफिट मिल ही नहीं रहा, इक्विवेलेंट तो हो ही नहीं रहा, है ना। ये सब भी मुद्दा है जो कि हुआ था ग्लोबल शुगर केन मार्केट के अंदर। तो ये जो है बैम्बू फैमिली ऑफ प्लांट है इंडिजिनियस इंडिया का, मेजरली देखो शुगर हो गया, गुड़ हो गया और खंड सारी हो गया। खंड सारी क्या होता है, खंड सारी सबसे रॉ फॉर्म होती है शुगर की, जिसके अंदर अच्छे मिनरल्स होते हैं इसके, ये इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता, खंड सारी इसी को यूज करना चाहिए अगर आप कर रहे हो तो, अगर शुगर के अंदर ये काफी रॉ फॉर्म है जो कि होती है ब्राउन कलर की होती है, ठीक है। चलिए तो 2/3 जो भी हम लोग प्रोडक्शन करते हैं ना गुड़ बनाने में, खंड सारी बनाने में निकल जाता है, 1/3 तो शुगर फैक्ट्रीज को जो है वो चले जाता है। अल्कोहल बनाने के लिए भी हम लोग इसको काम में लेते हैं, 10 से 15 महीने लगते हैं, 18 महीने मैच्योर होने में लगते हैं। आपको पानी अच्छा चाहिए, आपको सॉइल लॉमी सॉइल है जो कि आपको चाहिए होती है, 21 से 27 डिग्री टेम्परेचर है और 100 सेंटीमीटर तक की एवरेज रेनफॉल है जो कि आपको चाहिए होती है। गंगा सतलज बिहार वाला जो एरिया है, पंजाब बिहार वाला जो बेल्ट है, वहां पर मैक्सिमम प्रोडक्शन है जो कि शुगर केन का आपको देखने को मिलेगा। आज के डेली के वोकैबुलरी की बात करें तो पहला है हेल्ड, हेल्ड का मतलब है किसी भी चीज को ग्रैब करना, है ना। नेक्स्ट है पैरिश, यानी कि कोई भी चीज जो डिके हो जाती है, खराब हो जाती है, उसको हम लोग कहते हैं पैरिश होना। नेक्स्ट है इंटरिम, इंटरिम का मतलब होता है जो टेम्परेरी किसी चीज को बनाया जाता है, इंटरिम, है ना। डोलोरस का मतलब है जो जो बहुत ही सैड रहता है, उसको हम लोग डोलोरस है जो कि कहते हैं, है ना। सलमान खान के डोले कम हो गए तो डोलोरस हो गया, बहुत ही सैड हो गया, इस तरीके से कुछ याद कर लो। ओके, डॉली की जॉब चली गई, डोलोरस हो गई, यानी कि दुखी हो गई। नेक्स्ट है स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग का मतलब है स्लिप हो जाना, है ना, गिर जाना, स्लिप हो जाना, उसको हम लोग कहते हैं। चलिए, इसके अलावा Skill24 आप डाउनलोड कर सकते हैं अपनी स्किल ट्रेनिंग के लिए, और Class24 पे जाके आप इसको क्लास की PDF भी मिल जाएगी और सारे इंडिया में सारे एग्जाम के कोर्सेज भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय। और 9:30 बजे अपनी क्लास है लर्न विद बुनेसर पे, जहां पे आज हम लोग हिस्ट्री का एक और चैप्टर है जो कि कवर करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।